नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक ढूंढ के लाए हैं जिसका यूज अगर आप अपने फ़ोन में कर लेते हैं तो आप जो है अपने फ़ोन से DSLR कैमरा ऐसा फोटो जो है आप अपने मोबाइल से ही बना पाइएगा। जी फ्रेंड, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप DSLR कैमरा ऐसा अपने फ़ोन से ही फोटो बनाना चाहते हैं तो आज का ये स्पेशल पूरा वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल जो है अपने फ़ोन से ही DSLR कैमरा ऐसा जो है फोटो बना पाइएगा। तो ये कैसे संभव है, होगा कैसे, जानने के लिए आपको मेरे पूरे वीडियो को जो है आखिरी तक देखना पड़ेगा। फ्रेंड, इस बार की वीडियो पे मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग तरफ से कम 3000 जो है लाइक आ जाए। तो मेरे इस 3000 लाइक की रिक्वेस्ट को आपको पूरा करना है। उसके लिए फ्रेंड आपको करना क्या है, मेरे वीडियो को जो है नीचे से लाइक कर देना है और लाइक के बगल में एक शेयर का ऑप्शन है जिसपे टच करके आपको क्या करना है, इसे अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप या फेसबुक पे आपको शेयर कर देना है जिससे आपका दोस्त लोग भी देख सके और वो भी जो है अपने फोन से DSLR कैमरा ऐसा जो है सबसे यूनिक फोटो जो है बना सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो के नीचे जाए और ऐड ए पब्लिक इवेंट पे टच करके एक एक कमेंट कर दे सुपर वीडियो या नाइस वीडियो या फोटो एडिटर लिखकर। इससे क्या होगा कि आप जो भी लोग नीचे कमेंट कीजिएगा उनका चेहरा जो है नीचे दिखाई देगा और हमें पता चल जाएगा कि आप लोग में से कितने ऐसे व्यक्ति जो है वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के पास शेयर करते हैं और मेरे सारे वीडियो पे जो है आके कमेंट छोड़ते हैं। अब फिर बात करते हैं कि आप जो है अपने फ़ोन से DSLR कैमरा जैसा या कंप्यूटर जैसा सुंदर फोटो जो है कैसे बनाइएगा। तो उसके लिए हमें अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे जो है चलना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे चल के सीख लेते हैं कि अपने फ़ोन से फोटो जो है सुंदर कैसे बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे आ चुके हैं। अब सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन जो है डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन जो है डाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको जो है प्ले स्टोर में जाना होगा, ये रहा प्ले स्टोर। जब प्ले स्टोर ओपन हो जाए तो आपको उसमें सर्च करना होगा फोटो एडिटर फिल्टर एंड इफेक्ट लिखकर। तो ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको क्या करना है इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल जो है कर लेना है, ठीक है। 4.7 का रेटिंग मिला है जो कि काफ़ी अच्छा है और 1 करोड़ से ऊपर जो है इसका डाउनलोड है। तो 24 फरवरी 2020 का अपडेट देख सकते हैं। तो 2020 में कुछ नया अपडेट करके इसमें निकाला हुआ है, इसमें ऑप्शन का जो है कमी नहीं मिलेगा, बहुत सारा ऑप्शन जो इसमें नया मिलेगा। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें सेटिंग वेटिंग क्या करना है। फर्स्ट बार जब ओपन कीजिएगा तो अलाउ स्टोरेज एक्सेस मांगेगा, इस पर आपको टच करके अलाउ दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपकी गैलरी में जितना भी फोटो होगा वो सारा आ जाएगा। ये मेरा सारा एडिट किया हुआ फोटो है, आ गया है। एडिट पर टच करके आप एडिट वाला ला सकते हैं। स्टार्ट एडिट पर टच करके यहाँ पे आपको एक फ़ोटो जो है चूज करना होगा। तो हम अपने गैलरी से मान लीजिए एक फ़ोटो जो है चूज कर लेते हैं। आप जिस फोटो को एडिट करना चाहते हैं वो आपके गैलरी में यहाँ पे मिलेगा, उस फोटो को जो है आपको लेना पड़ेगा और उसको जो है आपको एडिट करना पड़ेगा। तो इसमें से हम एक फ़ोटो जो है ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्रेस का फोटो है, तो इसी फोटो में से एक एक्ट्रेस का फोटो जो है हम ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला फोटो जो है हम ले लिए, उस फोटो पे टच करेंगे तो वो फोटो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका अपना फोटो गैलरी में पहले से है तो आप अपना फोटो भी जो है चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक साउथ के एक्ट्रेस का फोटो जो है लिए है। अब यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट आ गया है, अब इफेक्ट पे टच करके हम अलग अलग इफेक्ट जो है इस फोटो के ऊपर जो है लगा सकते हैं। तो बहुत सारा फ्री इफेक्ट मिलता है और बहुत सारा जो है पेड इफेक्ट भी जो है मिल जाता है। तो ये सारा जो है फ्री है, पेड वाला इफेक्ट आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा जो कि आप अपने फ़ोटो के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपके फ़ोटो के ऊपर कौन सा इफेक्ट जो है अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद नीचे तो क्रॉप का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जो है फिल्टर का है। तो ये फिल्टर हम अभी लगा के दिखा रहे हैं, तो ये सारा ऑप्शन फिल्टर का है, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों हमें कोई अगला ऑप्शन लेना है, यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर टच करके आप अलग अलग इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं, लाइटिंग डाल सकते हैं। जैसे कि लाइट वाला ऑप्शन है ये देखिए, तो अगल बगल से आप लाइटिंग भी जो है डाल सकते हैं, इफेक्ट इसमें लगा सकते हैं, जिससे फोटो आपका काफ़ी सुंदर रहेगा देखने में और देखने वाला सोचेगा कि आप जो ये कैसे अपने फोटो में किए हुए, ठीक है। लाइट टू मिलेगा, लाइट टू में भी आप लाइटिंग जो है डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत अलग अलग ढंग का जो है लाइटिंग मिलेगा, फेस्टिवल वाला मिलेगा, आप चाहे तो फेस्टिवल वाला भी जो है लाइटिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके फोटो को और सुंदर जो है बना देता है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाइएगा कि इतना अच्छा फोटो जो है यहाँ पे एडिट होता है इस ऐप से। प्रिज्म का लाइटिंग है, देख सकते हैं प्रिज्म वाला लाइटिंग भी आप लगाना चाहे तो प्रिज्म वाला भी लाइटिंग भी जो है लगा सकते हैं। देख लीजिए काफ़ी कमाल का लाइटिंग लग रहा है।
और भी नियोन वाला लाइटिंग है, देख लीजिए इस तरह का लाइटिंग भी जो है आप लगा सकते हैं, ये देखिए। तो ये सब फ्री लाइटिंग है, उसके बाद नहीं लगाना चाहते नॉन पेटर्स करके हट सकते हैं। आगे एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है, एडजस्ट पेटर्स करके आप इसका कॉन्ट्रेस्ट बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, टोन बढ़ा सकते हैं। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे हम अपने हिसाब से लाइटिंग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फेड बढ़ाना चाहे तो फेड भी जो है इसमें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा जो है कर सकते हैं। देखिए ग्रेन बढ़ाना चाहे तो ग्रेन भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है जिससे आपके फोटो को ब्यूटी और सुंदर जो है बना देता है। देख लीजिए यहाँ पे कितना सारा ऑप्शन आप देख सकते हैं, बाकी एरिया को ये जो है ब्लर कर दिया, ये कॉन्विक्स वाला ऑप्शन, और इसको जो है कम करते हैं तो ब्लर एरिया गायब हो जाता है। आप देख सकते हैं बाकी एरिया को ये ब्लर कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन चलिए इसको हटाते हैं। ये देखिए देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे शार्पन का ऑप्शन मिलता है, ये देखिए शार्पन भी जो है, शार्पन भी काफ़ी कमाल का है, फोटो को खुद जो सुंदर काफ़ी बनाता है। उसके बाद टेम्परेचर आप हाई और लो कर सकते हैं अपने फोटो में, ये देखिए, ये देखिए बहुत सारा इसमें नया नया टूल और नया नया जो ऑप्शन डाला हुआ है जिससे आपके फोटो को काफ़ी सुंदर जो है बना रहा है। यहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट भी जो है अपने फोटो को बना सकते हैं, देखिए, और कलर करना चाहे तो कलर भी जो है कर सकते हैं, काफ़ी कूल आपका फोटो लगेगा देखने में। स्किन टोन है, आप स्किन पे भी जो है टोन डाल सकते हैं, देखिए। उसके बाद आगे लेयर का ऑप्शन मिलता है, आप कुछ लिखना चाहे तो वो भी जो है लिख सकते हैं। स्टिकर का ऑप्शन मिलता है, इसमें अच्छे अच्छे स्टिकर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दिल वाला भी जो है स्टिकर मिलेगा, इसमें जो स्टिकर आप अपने फोटो में डालना चाहे, जैसे कि ये वाला हम डालना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसको कलर करना चाहे तो आप कलर डिसकलर जो चाहे कर सकती है, देखिए रेड बना दिए और अपने हिसाब से इसको थोड़ा छोटा भी जो है कर सकते हैं, देखिए राइट आगे पर टच करेंगे सेट हो जाएगा। उसके बाद आगे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे HSL का, आप इसको भी जो है आप यूज कर सकते हैं, ये देखिए ये भी आपके फोटो को जो है काफ़ी कूल और काफ़ी फंटेस्टिक जो है बनाएगा। देख सकते हैं कितना ब्यूटी जो है ये फोटो को बना रहा है, तो इस तरीके से आप अपने फोटो को काफ़ी जो है मज़ेदार बना सकते हैं। आगे यहाँ पे कर्व का और इसमें कलर का भी ऑप्शन मिलता है, आप अलग अलग ढंग का कलर भी जो है अपने फोटो के ऊपर जो है डाल सकते हैं, देखिए। तो ये सारा ऑप्शन जो है किसी दूसरे फोटो एडिटर में देखने को नहीं मिलता है, जिससे हमारा फोटो इतना सुंदर जो है नहीं बन पाता, लेकिन यहाँ पे ये सारा ऑप्शन लगा के हम अपने फोटो को काफ़ी जो है कूल और काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल जो है बना सकते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आपको टच करना है। जब उस पर टच कीजिएगा तो आपका ये फोटो जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा, देख सकते हैं सेव हो गया। आप चाहे तो उसको शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के पास। चलिए बैक आते हैं और देख लेते हैं क्या है। तो जो भी एडिट किए हुएगा वो फोटो यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं। और फ्री लुमिया प्रो में अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो फिर से कर सकते हैं, फिर से टच करेंगे तो फिर से हमारे सामने ये फोटो आ जाएगा, और फिर से हम इसको एडिट करना चाहते तो फिर से जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन जो है काम करता है। गोल चक्री का ऑप्शन देख सकते हैं, ये सेटिंग का ऑप्शन है, और हम उस पर टच करते हैं तो इसके सेटिंग में चले जाते हैं, लेकिन सेटिंग में कुछ खास है नहीं। यहाँ पे सिर्फ फीडबैक भेजने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, शेयर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन जो है दिया हुआ है। चलिए बैक आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एप्लीकेशन जो है काफ़ी कमाल का है। इस एप्लीकेशन का यूज आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं, आपको जो है ये फोटो को सुंदर बनाने में काफ़ी जो है मददगार साबित होगा। तो इसका यूज जो है आप अपने फोटो एडिट के लिए कर सकते हैं। ये DSLR कैमरा ऐसा जो है आपके फोन से ही फोटो को जो है बना देगा। तो चलिए फिर हम बैक आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि हम अपने फोन से सुंदर फोटो जो है कैसे बनाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए माय ट्रिक्स वीडियो को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हर रोज लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।